वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेशनल का पाकिस्तान। मैं आपको लेके जा रहा हूँ बलूचिस्तान के एक ऐसे शहर जो सयाहत की वजह से बहुत मशहूर है। और उसका नाम है ज़ियारत। मैं मौजूद हूँ जुनिपर फॉरेस्ट के दरमियान और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जुनिपर फॉरेस्ट है। ये जुनिपर बेरीज हैं और जो इस टाइप की यहाँ पे लगी हुई है एडिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में ये खाई जाती हैं और ये नेचुरल क्रॉप है, इसकी कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, कुदरती उगता है। ज़ियारत में ताहद निगाह आपको सनोबर के दरख्त नज़र आएंगे और यही इस इलाके की खूबसूरती की बहुत बड़ी वजह भी है। और इन दरख्तों को बचाने के लिए यहाँ के लोकल्स लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत पकड़ी और साथ साथ लोगों को एजुकेट भी किया, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला नाख्वानदगी है और लोगों को ये समझाना कि कितने कीमती दरख्त हैं और कितना बड़ा असासा इस मुल्क का। ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बड़ी खुश असलूबी से तय पा गया और ये दरख्त अब सैकड़ों नहीं हज़ारों साल इंशाल्लाह ज़िंदा रह सकेंगे। इस खूबसूरत और पुरफजा जगह का नाम है उड़क और ये क्वेटा से थोड़ी सी दूरी पे, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती बड़ी बात यह है गर्मियों में दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर पिकनिक। करीब उजवार के बहुत दूर के शहरों के लोग भी यहाँ पे आते हैं और गर्मी में इस पानी को एंजॉय करते हैं। ये पानी बहुत ऊंचाई से पहाड़ों के दरमियान से बहता हुआ और बहुत सी इसमें मिनरल्स यानी मादनियात शामिल होता हुआ बहुत दूर तक जाता है। इससे बहुत सारे लोग फैजियाब होते हैं, घरों में इस्तेमाल होता है, खाने में इस्तेमाल होता है, पीने के इस्तेमाल होता है। ये कुदरत के वो तोहफे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे प्यारे मुल्क को नवाजा है जिसे, और इतने खूबसूरती मेरा नहीं ख्याल आप पूरी दुनिया घूम लें। कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे आपको पहाड़ मिलें, दरिया मिलें, रेगिस्तान मिलें, मैदानी इलाके मिलें। एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं और आप यकीन करें पूरी की पूरी लैंडस्केप चेंज हो जाती है। ओए होए होए, इतना कोई ठंडा पानी है, वाह वाह इतना मज़े का। जब भी कभी क्वेटा है, आई थिंक हन्ना ओडक इज दी प्लेस, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, और ख़ास तौर पे इस जगह तक ज़रूर आएँ, इस पानी को एंजॉय करें, इस कुदरत के तोहफे को एंजॉय करें एंड लिव अ लाइफ, एंजॉय लाइफ, इट्स ब्यूटीफुल। हम क्वेटा से तकरीबन कोई 12 से 14 किलोमीटर दूर हैं और ये बहुत ही मशहूर जगह कुचलाग। क्वेटा में बहुत ही मज़े के रोस्ट, जिसको हम आमतौर पे नमकीन रोस्ट कहते हैं, वो मिलते हैं, लेकिन ये एक बड़ी स्पेशल जगह, गोश्त की क्वालिटी अगेन, और इसके लिए दुम्बे का गोश्त बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यो खुदा रहा शुदा तकरीबन सुन टाइम की पका शुदा अगर क्वालिटी गोश्त हो तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं नमकीन रोस्ट को पकने में, और अगर गोश्त थोड़ा सा ज़रा सख्त होता है तो फिर 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं कि जो गैप है पतीलों के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैप ना हो ताकि स्टीम इसमें से निकले नहीं, तो स्टीम बनी रहेगी तो जल्दी पक जाता है। एक और बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड नमकीन रोस्ट के साथ सब्ज़ी दाल को सर्व करने का यहाँ बड़ा ट्रेंड है, बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं। और एक और चीज़ करते हैं यहाँ पे चर्बी जो है, इसको भी यहाँ पे गोश्त कहा जाता है, सफ़ेद गोश्त। बहुत ही ट्रेडिशनल खाने की अगर आप बात करते हैं बलूचिस्तान में, ख़ासतौर पर इस रीजन में, तो नमकीन रोस्ट एक बहुत ही अहम
खाना है, ये ऐसे समझ लीजिए कि शादी ब्याह की सबसे मेन डिश, और ये आज से 20 साल पहले और अब बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। इसका पकाने का तरीका, इसमें कितना पानी रखा जाए, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये लोग गोश्त को देख के उसके हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एवरी टाइम इट कम्स आउट अमेजिंग। या आप देखें, जहाँ जहाँ हम ट्रेवल कर रहे हैं, आप देखें कितनी ज़बरदस्त वेरिएशन आ रही है, नई नई चीज़ें लोग ऐड कर रहे हैं। खाना हम यहाँ पर निकाल के सर्व करवा रहे हैं और वहाँ जाके मैं बैठ के इसको खाऊँगा। आप देख रहे हैं बड़ा ट्राइबल कल्चर एनवायरनमेंट जो यहाँ पे है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये खाने हम घर में भी बहुत खाते हैं, लेकिन इन जगहों पे जब खाता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। अच्छी खाना मेरा आ चुका और यहाँ पे नान बहुत ही मज़े के। इन नान की सबसे ख़ास बात ये कि इसमें जो ये आटा मिक्स करते हैं, ये वो वाले टिपिकल रबड़ वाले नान नहीं है। वेरी वेरी गुड, यानी इसको अगर आप ये घंटा दो पड़े भी रहें तब भी आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल वही चीज़ लगेगी, वो प्लास्टिक, वो जिस तरह खिंचता है वो नहीं होगा। बट माई फेवरेट फूड इज़ हेयर एंड आई जस्ट कांट वेट टू ईट। आई हैव जस्ट गॉन फॉर दिस, लेट मी ट्राई इट आउट। आई एम श्योर जब कभी आप इस तरह के खाने खाते हैं ट्रेडिशनल, या अगर आपने बहुत पहले खाया, एक रिकॉल आती है आपको कि यार अपनी बिल्कुल वही वाला टेस्ट हो, जो मुझे बहुत फेवरेट फूड भी है। आई एम जस्ट गोना ट्राई दिस। I have no words to express where I am right now. I'm just going to eat it. That's it. बलूचिस्तान की एक बहुत ही मशहूर डिश, जो मेरे ख्याल में अगर आप कराची से जैसे ही निकलते हैं, हब का एरिया एंड इट गोज अप टिल द बॉर्डर ऑफ बलूचिस्तान, यहाँ से वहाँ तक एक डिश जो मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, वो है रोज, जिसको हम आमतौर पे नमकीन रोज भी बहुत सारे लोग कहते हैं। और हमारे साथ यहाँ के लोकल अनवर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत भी चलती रहेगी यहाँ के ट्रेडिशन के हवाले से, खानों के हवाले से। हम यहाँ पे मटन की रोज भी बनाएंगे और उसके साथ भिंडी, जो यहाँ इस इलाके में सब्जियों के हवाले से बहुत ही फेमस है। अनवर भाई, आपने ये रोज तो खाया होगा बहुत सारी जगह, मुझे ये बताएं कि अगर आपने 10 जगह खाया है तो उसमें से कितने जगहों में आप समझते हैं कि बहुत अच्छा था? तकरीबन 5 जगहों में अच्छा होगा, ये 3 जगह है नॉर्मल। एग्जैक्टली मैं इनसे पूछने लगा था, क्योंकि बड़ी सिंपल डिश है, यानी नमकीन रोज जो है इसमें सिर्फ नमक शामिल होता है, पानी होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम रोज पकाना शुरू करते हैं और उसको मैं हांडी में पका रहा हूँ। रीजन बींग, इनको जब हांडी में बनाते हैं तो इनका जायका बहुत अच्छा आता है। ऑल दो आप स्टील के बर्तन में भी इसको बना सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक आई वुड प्रेफर दिस, दिस इज रियली रियली गुड। यहाँ पे इसको हमने गर्म कर लिया, अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन कोई आधा कप के लगभग। थोड़ा सा गर्म होने छोड़ देते हैं। ओरिजिनली इसमें दुम्बे का गोश्त शामिल होता है, और आप भी कोशिश करें, अगर मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो बकरे का गोश्त भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसमें तकरीबन 1 किलो में कोई 5 पीस बनते हैं। ये छोटी बोटियां इसमें नहीं शामिल कर सकते, ये बड़े पीसेस हमने इसमें शामिल कर देते हैं, और ये तकरीबन कोई 1 किलो के लगभग गोश्त है। दैट्स इट। जितना आप सतह समंदर से ऊपर जाते जाते हैं, वहाँ का कुकिंग टाइम बढ़ता चला जाता है। इवन फार्म की जो चिकन है वो भी यहाँ पे थोड़ा जरा ज्यादा टाइम लेगी। मटन इसमें हमने शामिल कर दिया, और अब इसमें हम शामिल करेंगे नेशनल का आयोडाइज सॉल्ट। अच्छा जी, नमक आ गया। एक और चीज़ आप कर सकते हैं इसमें, एक दो तीन जगह मैंने यहाँ पे रोज वैसे खाया जो बहुत इसका अच्छा जायका आता है, वो मैं इसमें नेशनल का हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगा। थोड़ा सा इसको हल्की सी बुनाई कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 1-2 मग्गे पानी डाल देंगे। अच्छे जी, इसको हमने थोड़ी सी अब आंच धीमी रखनी है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा अलाव और रोशन कर लेंगे, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, और इसके साथ जो हम भिंडी सर्व करते हैं इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, और इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन कोई 1/4 कप ऑफ ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाए। इन द मीन टाइम व्हाट वी डू, इसमें जो भी चीज़ें हमने काट के शामिल करनी है उनकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। प्याज इसमें शामिल कर देते हैं सबसे पहले, टिल द टाइम ये फ्राई हो। और इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी लहसुन शामिल कर देंगे, 3 से 4 जवे इसके लिए बहुत है। अगेन इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। यहाँ भी हमने इसको शामिल कर दिया, थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। अच्छा अनवर भाई, यहाँ पे एक और चीज़ बताएं कि सब्जियों में कौन सी सब्जी इस इलाके में ज्यादा पसंद की जाती है खाने में? सब्जी भिंडी हो गया, मटर, कद्दू, गोभी, बैंगन, ये इसी इलाके में जिसका सब्जी होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं। ये ज्यादातर सब्जियां मेरे ख्याल में यही की अपनी, यही क्या? हाँ,
अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात ये है कि बहुत सारे शहरों में वहाँ पे सब्जियाँ उगती नहीं है, लेकिन क्वेटा की एक बहुत खास बात ये भी है, बेशुमार फल और सब्जियाँ यही लोकल उगती है और इस्तेमाल भी होती है। इवन यहाँ से सब्जियाँ जो हैं बहुत सारे दूसरे शहरों में भी जाती हैं। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और ये सारे के सारे। अच्छा जी, इसमें हम इस स्टेज पे अब शामिल कर देंगे भिंडी, और बड़े साइज़ की मैंने रखी है, बहुत क्यूब साइज़ में नहीं काटी, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अगेन रिमेंबर, ऑल्दो इट्स अ वेजिटेबल, लेकिन आप थोड़ा सा जब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं जिस तरह क्वेटा है, तो इसमें थोड़ा सा ज़रा कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली अगर आप किसी और शहर से, कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसमें इसको मिक्स कर दिया, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम नेशनल का सालन मसाला। मैं बहुत सारे नेशनल के जब रेसिपी मिक्सेस या मसाले लेके आता हूँ, आई ट्राई देम इन न्यू थिंग्स एंड न्यू थिंग्स कम आउट रियली रियली ग्रेट। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन कोई 1.5 कप पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको भी हम कवर करेंगे फॉर जस्ट अबाउट 10-15 मिनट्स एंड इट विल बी रेडी। इन खानों के साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है, वो है सलाद का इस्तेमाल। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि खानों के साथ कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। आपके यहाँ किस किस्म के खानों का ज़्यादा इस्तेमाल है, घर में क्या चीज़ें ज़्यादा पकती हैं? घर में सब्जी, रोश, ये चीज़ें बनती है, और इसके साथ गोश्त होते हैं, बन जाती है। मुर्गी का इस्तेमाल है, चिकन का? मुर्गी का इस्तेमाल भी हफ्ते में 1-2 दफा होते है। कुकिंग वगैरह का शौक है, खाने पकाने का? हाँ। अच्छा, और कितना मतलब, कभी कभार या घर में भी कभी कभार पकाते हैं? घर में भी कभी कभार बनाते हैं, और हफ्ते में 1-2 दफा तकरीबन पिकनिक भी मनाते हैं। इसमें ज्यादातर नेशनल का इस्तेमाल। अच्छा, नेशनल मसाले का, कढ़ाई का, कढ़ाई मसाला सबसे ज्यादा उसका जो टेस्ट होते है कढ़ाई में। नेशनल का कढ़ाई मसाला यहाँ पे कॉमनली मैंने देखा, और वैसे भी जनरली यहाँ पे इनको पसंद किया जाता है। अच्छा जी, भिंडी तैयार हो चुकी है और रोज भी तैयार हो चुका है, सलाद मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया। आई एम जस्ट गोना डू वन थिंग, लेट मी अरेंज इट ऑन अ प्लेट और करते हैं इसको सर्व। ये वो जगह है जहाँ पे निम्को की बेइंतहा बहुत सारी दुकानें और इनका डिस्प्ले, आमतौर पे निम्को की दुकानों में इस तरह के डिस्प्ले आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त तरीके का इसका डिस्प्ले, एंड द वैरायटी ऑफ निम्को इज़ अमेजिंग। मैंने आज तक इतनी बड़ी वैरायटी पहले कभी निम्को की नहीं थी। आई थिंक इट टेल्स कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है, प्रॉब्ली लोग निम्को ज़्यादा पसंद करते हैं इवनिंग के टाइम में, और चाय के साथ इसको इंजॉय भी करते हैं। इतनी सारी दुकानें हैं और इसमें इतनी वैरायटी है निम्को की, ये निम्को इतना लोग खरीदते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल खरीदते हैं यहाँ पर, अभी जो है आजकल जो है पठान, बलोच, अच्छा, ये सारे जो इनके बहुत ग्राहक है ना, बहुत खरीदते हैं। और ये यहाँ दूसरे शहरों में भी जाते हैं यहीं पे सिर्फ? ये जो हमारे बलूचिस्तान के आसपास जो इलाके, मस्तूम, कला, जो ये जो इलाके पठान के इलाके या बलोच के इलाके, वहाँ पर जाता है। अच्छा, चमन जाते हैं वहाँ से जो लोग अफगानिस्तान ले जाते हैं। अच्छा, और ये इसका कोई मौसम में कोई खास टाइम में ज्यादा बिकता है? टाइम तो इसका नहीं है, बस ये तकरीबन ईद के दिनों में तो काफी यहाँ पर। अच्छा, ये डिस्प्ले बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो जहाँ कहीं भी आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं, आई थिंक मेक श्योर कि जिस तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ है, बड़ा यूनिक तरीका है। और दूसरी ख़ास बात, वैरायटी चेक करें कि नमकीन से लेकर मीठे और सादा हर चीज़ आपके पास मौजूद है, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी आप वहाँ पे जाके खड़े हुए तो आपको उससे रेंज में रेलिवेंट चीज़ें, निबलिंग जिसको कहते हैं कि आपने जो स्नैक के तौर पर चीज़ें खानी होती हैं, उनकी बहुत ही बड़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। बड़ा ज़बरदस्त काम है, तो हम तो ऐसे गुजर रहे थे, हमने कहा, फिर वही हुआ कि ना चाहते हुए हमने घर कुछ खरीद लें, तो खड़े खड़े भी हमने थोड़ा बहुत ना, ये ऐसी चीज़ है इसको आदमी रुकता। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार तारीखी इमारतें देखी हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो इमारत मेरे दिल के इंतहाई करीब है, वो है ज़ियारत रेजिडेंसी। इससे पहले मैंने इस इमारत को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं इस इमारत को देखूंगा रियलिटी में।
दिस बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ज़ियारत वैली, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये ज़ियारत का दिल है। और ये बिल्डिंग 1892 में बनाई गई थी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग और मेरी फेवरेट बिल्डिंग में से एक है। और अंदर आप आएंगे तो आपको इतनी खुशी होगी, इतना अच्छा फील होगा कि मैं बता नहीं सकता। ये पूरी की पूरी इमारत लकड़ी से बनी हुई है और इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ का लोकल पत्थर है और बहुत ही शानदार है, खूबसूरत। ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का डाइनिंग रूम था, और लुक एट द डाइनिंग टेबल, हाउ सिंपल इट इज येट सो रिच। यानी हर चीज अब हर तरफ निगाह दौड़ाए तो आपको क्लास नजर आती है, जो कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की खूबी थी। इट्स ब्यूटीफुल रूम, और ये एक ऑफिस है। चंद चीज़ें जो ज़रूरत की हैं और उसके अलावा बाकी इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, इतना ओपन फीलिंग इस कमरे में है। आई विश आई हैड एन ऑफिस लाइक दिस। ये कमरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है, यहाँ पे उन्होंने आखिरी ज़िंदगी के जो अयाम थे यानी 21 दिन इस कमरे में गुजारे और इस बेड पे इनकी रहलत हुई। बहुत खूबसूरत कमरा, सिंप्लिसिटी। और आप सोचें कि जिस हस्ती ने इस मुल्क को बनाया, उनका बेडरूम देखें और उनका बेड देखें, कितना सिंपल बेड है और कितना सिंपल कमरा। इस सारी बिल्डिंग का अगर मुझसे पूछें कोई कमरा जो मुझे बहुत ही पसंद आया वो ये बेडरूम है। ये बहुत ही पुराने ज़माने में जब खिड़कियों में शीशा लगाया जाता था, जो कि अब नहीं इस्तेमाल होता, वो ओरिजिनल शीशा उस ज़माने का इसमें लगा हुआ है, विच इज़ सच एन अमेजिंग थिंग। बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ मेंटेन की गई है। इस म्यूज़ियम में कायद आज़म की जद्दोजहद आज़ादी की तस्वीरें लगी हुई हैं, पाकिस्तान बनने से पहले, ड्यूरिंग और उसके बाद की। इसके साथ साथ कायद आज़म की अपनी पर्सनल फैमिली की भी तस्वीरें, उनके वालिद साहब की, उनके भाई की, उनकी बेटी की, उनकी बहन की, और उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर लगी जो मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखी। और इतना अच्छा लगा कि किस जज्बे के तहत इस मुल्क को बनाया गया है वो इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो बहुत ही नुमाया है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत मुल्क हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है, और इस जज्बे को हमने महसूस करते रहना है और इसका अमली मुजाहरा भी करना है और इस मुल्क को और खूबसूरत बनाना है। ज़ियारत रेजिडेंसी मुझे इस वजह से सिर्फ पसंद नहीं है कि एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बल्कि इसकी दो बहुत ही बड़ी वजूहात हैं। एक, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहशगाह रही है, और दूसरी बहुत ही बड़ी वजह इसकी सिंप्लिसिटी। आई थिंक दिस इज़ अ ट्रू लीडर, और हमारे सब लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें देखना चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को कितना सिंपल करके और कितना अजीम काम कर सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, आई थिंक जो रिवायती खानों का जायका है वो नेशनल के मसालों से ही आता है। और आप देखेंगे इतने क्वेटा से भी एक बहुत दूर जगह पे बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे बैठे हैं। इट्स जस्ट एन अमेजिंग फैक्ट कि यहाँ पे भी नेशनल का कढ़ाई मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, रेसिपी ज़बरदस्त, पकने का टाइम। मेरे ख्याल में घूम फिर के आप लोग आ जाओ, थोड़ा और भूख लग जाएगा, घंटे बाद आना, घंटे से पहले तो भूल जाओ। इन जगहों पे कुकिंग करने का सबसे बड़ा मज़ा ये कि सारे दोस्त यार मिलके प्यार मोहब्बत से बैठ के और चीज़ों को एंजॉय करते हैं और टाइम निकाल के आते हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो जाते हैं। नमक भूला है, ऑयल भूला है, इसका ढक्कन भूला है, लेकिन कुकिंग का सबसे मज़े का जो पार्ट है वो प्यार मोहब्बत का है, मिल के बैठने का है। ये डिश बहुत शानदार बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी और सब इंजॉय करेंगे इसको। जब अभी इस तरह की जगहों पे आते हैं, फ्रूट का ठंडा होना नहायत ज़रूरी है, और यहाँ पे एक चलता फिरता फ्रिज आपके पास मौजूद है तो घंटे बाद ऐसा ठंडा हो जाएगा। और ये आमतौर पे इस इलाके की रिवायत भी है, बल्कि पिकनिक पे जब हम जाते हैं तो सिर्फ गोश्त की कुकिंग की नहीं, उसके हवाले सिर्फ कभी कभार चंद दोस्त मिल के करीब जगह पर जाते हैं तरबूज या खरबूजा लेके, ये तरीका होता है। और ये बड़ा मज़ा आता है इसका इवेंट, इन इलाकों में इसकी बड़ी ट्रेडिशन है। पाकिस्तान एक मुल्क है, यहाँ पे जहाँ कहीं भी चले जाएँ यकीन करें 2 मिनट के अंदर गुजरे और इन्होंने रोका, और अब आप देखें कि
फील ही नहीं हुआ कि इनको मैं जानता ही नहीं हूँ। तो इसी का सबसे मज़ा आता है, वो दिल बड़ा कर रहा है कि यहाँ पर इनके साथ खाना खाऊँ, इसका तो बहुत मज़ा आ गया। लेकिन कोशिश करते घूम फिर के आता है टाइम मिला तो फिर इंशाल्लाह आप बैठते हैं। बड़े मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। ज़ियारत की एक बहुत बड़ी सौगात जो कि इसकी पहचान भी है वो है चेरी। मैंने पूरी ज़िंदगी में आज तक इससे ज़्यादा खूबसूरत फल का बाग कभी नहीं देखा। सेब के बाग देखे हैं, ऑरेंज के, माल्टे, किनू, अंगूर की बेल तक देखी है, मुझे विजुअलाइज भी मैं कर सकता हूँ। बट ये वो वाहिद फल है जिसका फ्रूट मैंने आज तक कभी पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं देखा। इसकी वजह से इसकी एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा है क्योंकि कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि चेरी इस तरह दरख्तों से लगी होगी। इट्स एन अमेजिंग व्यू। इमेजिन करें, ये मैंने बॉक्सेस में देखी है चेरी, बहुत ही खूबसूरत और अजीब व गरीब किस्म की शेप का प्लांट है। मुझे पौधों से बहुत शौक है और लेकिन मैंने इतना कोई वियर्ड किस्म का प्लांट पहले ज़िंदगी में नहीं देखा। फल का दरख्त तो एक जहन में होता है, फॉलेज होता है, इसका शेप होती है, ये तो अजीब व गरीब कुछ सीन सा बना, बट इट्स अमेजिंग। लुक एट इट्स कलर, ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक मोतियाँ। इमेजिन करें ये तकरीबन 15 से 20 दिन इसको मज़ीद चाहिए अभी, और इस टाइम इनकी 24/7 देखभाल, पानी और बहुत सारी चीज़ें जो चिड़ियाँ उड़ रही हैं उनको भगाने के लिए 24 घंटे लोग एक हाथ में इस तरह की बॉटल लिए और घूम रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं कि वो इसको इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट्स नॉट जस्ट द मनी, इट्स देयर पैशन आल्सो। बहुत ही मज़े की चेरीज लग रही हैं और यहाँ पे कभी भी इस तरह के बाग में आए, मेक श्योर उनसे परमिशन ज़रूर लें, बिकॉज आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम देम। चोरी यहाँ पे अलाउड नहीं है सख्ती से। जस्ट गोना ट्राई वन। ओह, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस फीलिंग। आई थिंक ज़ियारत, दिस इज़ अ मस्ट। यहाँ पे आप लोग नहीं आए, आपने ज़ियारत आई थिंक बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत कुछ देखने के बावजूद। अब वक्त आ गया है बलूचिस्तान के इस फूड हेवन से रुखसत होने का। यहाँ आना, लोगों से मिलना और इनके प्यार समेटने का एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। मिलेंगे दोबारा नई मंजिल और नई राहों के साथ इसी नस्ल के पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज़।